मथुरा श्री जन्म कृष्ण भूमि न्याय के जनसंपर्क अधिकारी विजय बहादुर सिंह आज झांसी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के कार्यालय पहुंचे, जहां डॉक्टर संदीप सरावगी ने उन्हें हार माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा भेंट की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम भव्य रूप में विराज रहे हैं और काशी में भगवान शिव विराजमान हो गए हैं, उसी तरह अब मथुरा जन्मभूमि में भी भगवान श्री कृष्ण जी अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि जन्मभूमि परिसर के कुछ हिस्से पर ईदगाह बनी हुई है, जो दस्तावेजों में जन्मभूमि की जमीन पर है, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। शीघ्र ही श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास अपना मुकदमा जीतकर सनातन संस्कृति का ध्वज फहराएगा। उन्होंने डॉक्टर संदीप के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वह विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। उनके सामाजिक कार्यों का कोई तोड़ नहीं है। मैं ऐसे समाजसेवी की मुक्त कंठ से सराहा करता हूँ। उन्होंने झांसी की बुद्धिजीवियों को भी मथुरा जन्मभूमि आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का आमंत्रण दिया। इस दौरान डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। मथुरा ऐतिहासिक नगरी है और सनातन धर्म का केंद्र माना जाता है। इस यज्ञ में जो भी आहुत करने का मुझे अवसर मिलेगा, मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा। बड़ा दिव्य संयोग है आज कि मुझे इस रानी झांसी के नगर में आने का अवसर प्राप्त हुआ अनेक वर्षों के पश्चात, और विगत दिनों मेरी भेंट कृष्ण जन्म स्थान पर झांसी नगर में स्थापित प्रख्यात साहित्यकार और कवि पवन गुप्ता तूफान जी से हुई, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप झांसी पधारिए। और मेरी इच्छा थी कि ओरछा जो यहाँ निकट में ही है, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वीर सिंह देव, उन्होंने कृष्ण जन्म स्थान पर अंतिम मंदिर बनवाया था 1658 में। तो राजा वीर सिंह देव की नगरी ओरछा में मुझे भगवान राम के दर्शन करने थे, तो मैंने रास्ता चुना झांसी होकर ओरछा जाने का। और फिर परिचय दिया, चर्चा हुई कि यहाँ के प्रख्यात समाज सेवी डॉक्टर सरावगी जी यहाँ पर हैं और इन्होंने बड़े उल्लेखनीय कार्य समाज सेवा के क्षेत्र में किए हैं। और मुझे यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सामूहिक विवाह का कन्याओं का बड़े विशाल स्तर पर भव्य स्तर पर आप करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देने के लिए विशेष तौर से यहाँ पधार आया हूँ। और विशेष कोई उद्देश्य कोई हेतु इसका अन्य नहीं है, साधारण यात्रा और राम जी के दर्शन, यही मेरा मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं हम भाई साहब का। आप छोटे से ही बालकाल से संघ के स्वयंसेवक भी हैं और इंदिरा सरकार द्वारा जब लोकतंत्र की हत्या कर देश में आपातकालीन घोषित करने के विरोध में संघ द्वारा संचालित सत्याग्रह में 23 दिसंबर 1975 को 16 वर्ष की आयु में आप कारावास भी गए, और बजरंग दल हो या राम जन्मभूमि आंदोलन हो या विवादित ढांचे को भागीदारी में ध्वस्तीकरण करने के कई मामलों में देश के हित में और सनातन धर्म के हित में आपने अपना जीवन लगा दिया। और ये तो माता रानी का आशीर्वाद और आप सब लोगों का प्यार है कि जिन्होंने जिंदगी में अपना पूरा जीवन इस देश को दे दिया, उनके जो बच्चन है वो हमारे यहाँ तक आ गए, मतलब हमारे आशीर्वाद देने के लिए हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं, और चूंकि आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म वास्तविकता में एक ऐसा धर्म है कि हम लोगों के यहाँ कण कण में राम है, कोई भी जात हो, कोई भी बिरादरी हो, हम लोग हर अमला हम लोग कहीं से निकलते हैं ना, और अपन को कोई फूल माला टंगी हुई कोई अगर आला भी दिखता है तो हम लोग वहाँ पे भी ऐसे करके निकलते हैं। ये संस्कार है हमारे, इन संस्कारों का शोषण किया है कई लोगों ने, हम लोगों को कमजोर माना है और शोषण किया है, उसके विरोध में भाई साहब अपना जीवन लगा रहे हैं और जनहित में मानव हित में मैं अपना जीवन दे रहा हूँ। पहले भी आप लोगों के माध्यम से जनता को यह मैं आवाज़ दिला चुका हूँ कि मैं अपना संपूर्ण जीवन जितना भी हमारा है हम जनता के हित में अपना जीवन समर्पित करेंगे, और भाई साहब वगैरह हमारे संघ के लोग, हमारे झांसी के लोग, हमारे देश के लोग जो हमसे अपेक्षा करेंगे मैं उसमें पूर्ण करने में जितना माता ने कृपा से समर्थ होगा मैं जरूर उनका साथ दूंगा। धन्यवाद। झांसी से यूडी न्यूज के लिए सोनू साहू की रिपोर्ट।